17 मरीजों की मौत हुई है। यहाँ बुलाकर आप मेडिसिन मंगा रहे हो, ये मंगा रहे हो, ओके है, सब हो जाएगा सर। सर 4 बजे आके बोलते कि डेथ हो गई है। ध्यान नहीं देते इधर के, पहले एक दो दिन में कुछ करते तो मेरी माँ जिंदा रहती। ये लियाज है, बहन बीमार थी, इलाज के लिए थाने के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही, किया भी, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में बहन आफरीन की मौत हो गई। कल शाम को मेरी कजिन बहन है, कल उनको एडमिट किया गया है और ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला था शाम को, तो ऑपरेशन हुआ, उन्होंने 11 बजे बाहर निकाले है और शाम रात में 4 बजे मॉर्निंग में बोलते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। अब इस डेथ के रीज़न क्या है, क्या लापरवाही है ये हमारे, उसके चलते उस 20 पेशेंट थे उसमें से ICU में, उसमें 5 पेशेंट बचे, बाकी सबकी डेथ हो गई है। अभिषेक भी अपनी मां को ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में लाए थे, लेकिन अब खाली हाथ लौट रहे हैं। 4 दिन पहले मेरी मां को कार ठोक दिया था, फिर इधर दवाखाने में लाए तो लोग 3-4 दिन बाहर ही रखे। जब ज़्यादा सीरियस होने लगी जब ICU में लेके गए और शाम तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और मेरी मां चली गई। फिर बाद में और 1-2 घंटा जाने के बाद भी कुछ बोल नहीं रहे थे, अंदर ही रखे थे, बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, फिर 2-2 घंटे बाद बोलते नहीं है आप। थाने के इस अस्पताल में सदमा अभिषेक और लियाज को ही नहीं लगा है। 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच यहां इलाज के लिए लाए गए 27 मरीजों की मौत हो गई। इसमें से 22 की मौत तो सिर्फ 48 घंटे के भीतर हुई। 10 अगस्त को 5 मरीजों की मौत हुई, 13 अगस्त को 18 की मौत हुई और 14 अगस्त को 4 मरीजों की मौत हुई। एक साथ इतनी मौतों से हड़कंप मचना लाजमी था। विपक्ष एक्टिव हुआ तो सरकार भी एक्शन में आई, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और इसी बीच अस्पताल प्रशासन सफाई लेकर सामने भी आया। अस्पताल में हो रहे मरीजों की मौत को लेकर अस्पताल के डीन का ये कहना था कि अस्पताल में जो मरीज इलाज के लिए भर्ती कराए जा रहे थे वो पहले से ही गंभीर बीमारी का शिकार थे, ऐसे में मरीजों को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन उन मरीजों को बचाने में असफल रहा। अस्पताल जिन गंभीर बीमारियों की बात कर रहा है उनके बारे में भी बता देते हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से कई गुर्दे की पथरी, लकवा, अल्सर, निमोनिया, कैरोसिन पॉइजनिंग, सेप्टिसीमिया और दिल के मरीज थे। इंक्वायरी कमेटी नेम ले लिया है। अब महाराष्ट्र की सरकार जांच की बात कर रही है, जांच कमेटी बनाकर 25 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का फरमान भी सुना दिया गया है, लेकिन उस सच का क्या करेंगे जो पहले ही सामने आकर खड़ा हो चुका है। अस्पताल प्रशासन से इन मौतों के कारण का पता लगाया जा रहा है तो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में बेड नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, साथ ही साथ डॉक्टरों की कमी है और अस्पताल ये भी कह रहा है कि जो अस्पताल की क्षमता है उससे दुगुना तिगुना जो यहाँ पे मरीज हैं वो अपना इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर उनको इलाज सही ढंग से नहीं मिल रहा है जिस कारण से मौतें हो रही हैं। यूं तो अस्पतालों में जिंदगी और मौत का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन एक ही अस्पताल में जब एक साथ इतनी मौत हो तो बात डराने वाली है।